है दोस्तों, आज की बहुत ही बड़ी खबर। ताली और थाली बजाने के पीछे की कहानी क्या है, तुरंत जाने अपने YouTube चैनल ऑनलाइन रोजगार पे। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ऑनलाइन रोजगार को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कुछ इस तरह। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। हम आपको थाली और ताली बजाने के पीछे की कहानी के बारे में बता रहे हैं। जी हां, 22 मार्च को सुबह से ही पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के आह्वान पर जनता कर्फ्यू लगा था। दोस्तों, इस कर्फ्यू के साथ प्रधानमंत्री ने शाम 5 बजे लोगों से घर की छत पर, बालकनी में और घर के दरवाजे खिड़कियों पर आकर थाली और ताली बजाने की अपील की थी। तो दोस्तों, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि दरअसल ताली और थाली बजाने से कोरोना का कोई लेना देना नहीं है। इन दिनों लोगों में कोरोना को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। इसी डर को कम करने के लिए ताली और थाली बजाने की बात प्रधानमंत्री ने की है। दरअसल रोग हो या शत्रु, इससे जीत हासिल करने के लिए सबसे पहले हमारे इरादों को मजबूत होना जरूरी है। दोस्तों, इस समय हमें कमजोर नहीं पड़ना है, सबको एकजुट होकर इस गंभीर हालात से लड़ना है। लेकिन इसके पीछे महज इतनी बात नहीं है। इतिहास के पन्नों में जाकर देखें तो आपको ये भी पता लगेगा कि इसी तरह की एक पहल से पूर्वज महाराजा रघु ने कमाल कर दिखाया था और अपने जमाने में गंभीर रोग का अंत कर दिखाया था। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी और आपको ये कहानी कैसी लगी, अपना जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों, ये तरह तरह की अफवाहों से दूर रहें और ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। तो दोस्तों, आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अफवाहों से दूर रहिएगा। तो अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड गुड बाय। ये रेड कलर में दोस्तों ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसे दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये तुरंत ही बेल का आइकन आएगा दोस्तों बराबर में, इसे दबाकर ऑल पर कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।